जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस में मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर्स यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और उनके मुख्यालय। दोस्तों, एग्जाम के दृष्टिकोण से ये टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो जिसमें सामान्य अध्ययन पूछा जा रहा है, इस प्रकार के एक या दो प्रश्न तो पूछे ही जाने होते हैं। उसमें भी जो शुरुआती एमपीएसआई का एग्जाम हुआ था, वहां पर तो एक एग्जाम में 30 से 35 क्वेश्चंस केवल और केवल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उनके मुख्यालयों से ही संबंधित थे। तो दोस्तों, आज हम कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से इनके मुख्यालयों को याद कैसे किया जाए ये पढ़ेंगे। साथ ही साथ में अंत में मैं आपको एक लिंक दूंगा जिसके माध्यम से आप उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो इस टॉपिक से रिलेटेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली ट्रिक है, अगर किसी संस्था की शुरुआती नाम वर्ल्ड या फिर इंटरनेशनल है और आखिर में ऑर्गेनाइजेशन आता है, यानी कि हिंदी में अगर किसी संस्था के शुरुआत में विश्व या फिर अंतरराष्ट्रीय और अंत में संगठन आ रहा है, तो उसका हेडक्वार्टर आपका जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में होगा। जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, आपको इतना तो मालूम हो गया है, लेकिन अब आपको करना क्या है? आप एमपीएसआई का एग्जाम देने जा रहे हो, केवल इतने से काम आपका चलने वाला नहीं है। आपको देखना होगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कौन सी सन में बना था और इसके काम क्या क्या हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के काम क्या क्या हैं। इस तरीके से आप इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा आधे आधे पन्ने का पढ़ लें। ये आप गूगल सर्च करके भी देख सकते हैं या फिर किसी अच्छी सी बुक में से भी देख सकते हैं। ऐसे ही हम देखते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाले, यहां पर एक अपवाद है आईएमओ। दोस्तों, अभी हम आगे वीडियो में देखेंगे कि आईएमओ क्या होता है और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है। बाकी के सभी में यही ट्रिक चलेगी। जैसे कि इंटरनेशनल लिवा ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर भी आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेगा। इंटरनेशनल कामेची फॉर रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन, ये भी जिनेवा में आपको मिलेगा इसका हेडक्वार्टर। इसी तरीके से आईएसओ इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये भी जिनेवा में रहेगा। यहां पर एक और महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, लेकिन ये हमारी ट्रिक में नहीं आ रहा है। इसका नाम है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यानी कि जो व्यापार से संबंधित, व्यापार के विकास से संबंधित यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस है, उसका भी हेडक्वार्टर आपका जिनेवा में है, लेकिन ये अपनी ट्रिक में नहीं आ रहा। ये एक महत्वपूर्ण संगठन है, इसलिए इसको भी हमको याद कर लेना है। दोस्तों, आप देखते हैं दूसरी ट्रिक। दूसरी ट्रिक में उन संस्थाओं को बताया गया है जिनका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी यानी कि यूएसए में है। वॉशिंगटन डीसी आप लोगों को मालूम ही होगा, कैपिटल है यूएसए की। तो जितने भी मनी से संबंधित यानी पैसे से संबंधित संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनका हेडक्वार्टर आपको वॉशिंगटन डीसी में मिलेगा। इसको अपन ऐसे याद कर सकते हैं कि वॉशिंगटन में पैसा है। दो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और दूसरा वर्ल्ड बैंक। तीसरी ट्रिक है उन संस्थाओं के हेडक्वार्टर्स के लिए जिनका हेडक्वार्टर्स लंदन में है। लंदन यानी इंग्लैंड। दोस्तों, इसके लिए हमको याद रखना है कि मैं आई एम अ कॉमन मैन इन लंदन, मैं लंदन में एक कॉमन मैन हूं। तो दोस्तों, जो आई है, जो कि एक्सेप्शन था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाले, जो पहली ट्रिक था उसमें मैंने बताया था कि आईएमओ आपका अपवाद है, तो आईएमओ होता है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इसकी काम क्या है ये आपको खुद सर्च करके बताना है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। ये पहली वाली ट्रिक का अपवाद था। एम से है एमनेस्टी इंटरनेशनल, बहुत ही फेमस संस्था है, इसका भी लंदन में ही है हेडक्वार्टर। और कॉमनवेल्थ से रिलेटेड कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो वो, क्योंकि कॉमनवेल्थ उन देशों का समूह है जिन पर इंग्लैंड ने राज किया था, तो कॉमनवेल्थ से रिलेटेड कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर आपको लंदन में मिलेगा। जैसे कि कॉमनवेल्थ और नेशंस और कॉमनवेल्थ टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब दोस्तों देखते हैं चौथी ट्रिक। चौथी ट्रिक है कि कुछ कीवर्ड्स हैं जैसे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, पेट्रोलियम और एटॉमिक। अगर ये कीवर्ड कहीं भी आ जाते हैं किसी भी संस्था के नाम में, कौन कौन से दोस्तों, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, पेट्रोलियम और एटॉमिक, तो उसका हेडक्वार्टर आपका वियना यानी कि ऑस्ट्रिया में होगा। जैसे कि यूएन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और ओपेक, जो कि पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का संगठन है। तो दोस्तों,
अब देखते हैं पांचवी ट्रिक। पांचवी ट्रिक है, आपको केवल एक लाइन याद रखना है, यूएन चाइल्ड इमरजेंसी इन न्यूयॉर्क। यानी कि देखिए यहां पर जो यूएन है, यूएन से मतलब है यूनाइटेड नेशंस, और चाइल्ड इमरजेंसी ये एक कीवर्ड है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के नाम में आएगा तो उसका जो हेडक्वार्टर है वह आपका न्यूयॉर्क में होगा। जैसे कि यूनाइटेड नेशंस ये एक संगठन है, यूनाइटेड नेशंस आप सभी लोग जानते होंगे, और इसके बारे में एक एक बारीक चीज आपको मालूम होनी चाहिए। इस पर मैं एक लेक्चर रखूंगा 10 मिनट का, जिसमें यूएन के बारे में सब कुछ बारीकी से बताया जाएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड काफी प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोग खुद सर्च कीजिए, बुक से पढ़िए, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपके सिलेक्शन के चांसेस नहीं है। आप अगर सोच रहे हैं कि ऑनलाइन नाइट क्लासेस हम रेगुलर ले रहे हैं और हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो ऐसा दोस्तों बहुत मुश्किल है, आपको खुद से तो पढ़ाई करनी ही होगी। और इसी प्रकार से यूएन इंटरनेशनल जनरल इमरजेंसी फंड है, ये भी इसका हेडक्वार्टर भी आपका न्यूयॉर्क में है। अब देखते हैं छठवीं ट्रिक। इसमें दो कीवर्ड्स दिए गए हैं, इकोनॉमिक और एजुकेशन। यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के नाम में अगर इकोनॉमिक या फिर एजुकेशन से संबंधित कुछ आता है या यही वर्ड आते हैं तो उनका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा पेरिस में। दोस्तों पेरिस तो आप अच्छे से जानते हैं किस लिए मशहूर है, कहां पर है, तो उसका हेडक्वार्टर आपको पेरिस में मिलेगा। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट और यूएन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों यहां पर भी एजुकेशन या फिर इकोनॉमिक आएगा तो उसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका पेरिस में होगा। अब देखते हैं एक जो बाकी के महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन बचे हैं उनके लिए ट्रिक्स क्या है। तो दोस्तों एक है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका जो मुख्यालय है वह है मनीला, मनीला आपका फिलीपींस में है। तो दोस्तों इसको इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, यहां पर देखिए हाईलाइटेड कर दिया गया है एशियन को और मैन को, तो अपन ऐसे याद रख सकते हैं एशियन मैन। मैन से आपको तुरंत ध्यान आ जाएगा मनीला, और एशियन से आपको ध्यान आ जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है दोस्तों, ऐसा ही एक न्यू डेवलपमेंट बैंक भी बना है जिसका मुख्यालय आपके चाइना में है, जिसका नाम का सुझाव अभी नरेंद्र मोदी जी ने दिया था, तो वो भी आप याद रखिए। दूसरा है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशंस, जिसको आसियान बोलते हैं। दोस्तों इसका जो मुख्यालय है वह जकार्ता में है, जकार्ता आपका इंडोनेशिया में है। इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, जो लोग इंग्लिश मीडियम के हैं वो उसको आसानी से याद रख सकते हैं, जो कार्ड खेलते होंगे आप ताश के पत्ते, उसमें एस जैक होता है, तो उसी तरीके से आप याद रख सकते हैं एस जैक, यानी कि आसियान जकार्ता। अगला है हमारा FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है इसका मुख्यालय रोम में है, और रोम इटली की राजधानी है। दोस्तों इसको ऐसे याद रख सकते हैं, इडली हम सभी लोग खाते हैं तो फूड इडली, ऐसे याद रख सकते हैं फूड इडली। तो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन आपका इडली यानी कि इटली में होगा। अब दोस्तों एक महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए हमारे पास कोई ट्रिक नहीं है, तो उसको हम डायरेक्टली याद कर लेते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। इसका मुख्यालय हैग नीदरलैंड में है। इसी तरीके से सार्क जो कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के लिए बनाया गया है, इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। दोस्तों अभी भी काफी ऑर्गेनाइजेशन छूट गए हैं जिनके मुख्यालय इस वीडियो में हम नहीं बता पाए हैं, लेकिन इसके लिए हमने अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट कर दी है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से जाकर आप उन सभी को पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इनसे रिलेटेड जब आप इनके बारे में सब कुछ पढ़ लें एक बार, तो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको कहां से करें, उसके लिए मैंने इंडिया बिक्स एक साइड है जो मैंने पहले भी आपको एमपीएसआई की प्रिपरेशन कैसे करें वहां पर भी बताई थी, उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, उनकी लिंक मैं आपको फेसबुक ग्रुप पे दे दूंगा। फेसबुक ग्रुप की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर आप वहां जाएं और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। लेकिन दोस्तों आप तब तक उन क्वेश्चंस को सॉल्व ना करें जब तक आपने सारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना लिया हो,
आप सभी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए, हेडक्वार्टर्स आपको याद ही हो जाएंगे। एक बार दो बार आप इस ट्रिक को याद कर लीजिए, उसके बाद जब भी प्रैक्टिस करेंगे तब इस पूरी ट्रिक को आप दोहरा लीजिए करें, तो आपसे ये सब कुछ याद हो जाएगा। तो दोस्तों आप वहां पर जाइए और इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को तपोभूमि क्लासेस के बारे में बताइए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय माता दी।